अंतर्जातीय शादी संपन्न मामला गुरु और शिष्या का है। गुरु जाति के ब्राह्मण एवं शिष्य महादलित जाति की है। गुरु ने शिष्या से रचाई शादी। बताया जाता है कि पूर्वी चंपारण के फुलवरिया पंचायत के इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर के संचालक योगेंद्र पांडे का पुत्र साहिब कुमार पांडे जो सेनुआरिया में कोचिंग सेंटर चलाता था, उसी की कोचिंग में मझोलिया प्रखंड के रुलही पंचायत के वार्ड नंबर 5 निवासी दिनेश राम की पुत्री करीना कुमारी पढ़ाई करती थी। पढ़ाई क्रम में ही गुरु और शिष्या में प्यार हो गया और प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों गुरु शिष्य अपने अपने परिजनों के सामने बकरिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में ब्रह्म स्थान के प्रांगण में गुरु ने अपनी शिष्या को सिंदूर लगाकर शादी रचा ली। इस शादी में फुलवरिया के समाज सेवी धर्मेंद्र पांडे, उदय पांडे, विजय कुमार मुखिया पति, मनील सिंह सरपंच भूषण दोनों की राजी खुशी से शादी संपन्न हुई। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको? अपने राजी खुशी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? है दोनों आदमी पति पत्नी की तरह एकदम अपना जीवन व्यतीत करने गए। क्या नाम हुआ? शादी जो हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको? अपने राजी खुशी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट मझोलिया पश्चिमी चंपारण से। विश्व यक्षमा दिवस के अवसर पर गुरुवार को प्रखंड के भरवलिया गांव में KHPT के सहयोग से राधे कृष्ण तथा खुशबू जीविका स्वयं समूह, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका तथा वार्ड सदस्य के द्वारा TV जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान KHPT के CC डॉक्टर घनश्याम ने कहा कि 2025 तक TV मुक्त होना है। अब TV हारेगा देश जीतने का संदेश लोगों को दिया जा रहा है। डॉक्टर घनश्याम ने कहा कि TV के बैक्टीरिया सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी रोगी के खांसने, बात करने, छींकने या थूकने के समय बलगम व थूक की एक बहुत सी छोटी से छोटी बूंद हवा में फैल जाती है। इनमें मौजूद बैक्टीरिया घंटों तक हवा में रह सकते हैं। इससे बैक्टीरिया एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने के दौरान उसके शरीर में प्रवेश कर उसे रोगी बना देती है। रैली के पूर्व सामूहिक रूप से TV को समाज से खत्म करने के लिए शपथ भी लिया गया। रैली में TV को दूर भगाना है, पूरा कोर्स पक्का, इलाज विश्वसनीय है, डॉट से इलाज, जन जन की यही पुकार, TV मुक्त से बिहार, स्वस्थ बिहार की क्या पहचान, TV को जाने हर इंसान, घर में है अब नहीं TV, सब खुश है बच्चे और बीवी आदि स्लोगन से लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर जीविका CM नीलू कुमारी, निभा देवी, आंगनवाड़ी सेविका श्यामा तिवारी सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। आज विश्व TV दिवस के अवसर पर जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई है। आज 24 मार्च को विश्व TV दिवस मनाया जाता है और KHPT के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जीविका दीदी, आंगनवाड़ी, आशा और PRI मेंबर उपस्थित थे। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट मझोलिया पश्चिमी चंपारण।